हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की रेसिपी स्पेशल शिवरात्रि व्रत की रेसिपी है जो हम व्रत में खा सकते हैं। ये थोड़ा नमकीन मैंने बनाया है, तो फास्टिंग में अगर आपका कुछ नमकीन खाने का मन है तो ये आप बना सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर जो मूँगफली है उसको रोस्ट किया है। यहाँ पर मैंने सोयाबीन ऑयल यूज़ किया हुआ है, आप घी भी यूज़ कर सकते हैं। तो इनको हम रोस्ट कर लेंगे अच्छे से पहले। रोस्ट करने के बाद हम इन्हें ठंडा करके ग्राइंड कर लेंगे। थोड़ा दरदरा ग्राइंड करेंगे, बिल्कुल ग्राइंड नहीं करेंगे। इसमें थोड़ी अगर मूंगफली के दाने रह भी जाते हैं तो कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे मैंने इसको ग्राइंड कर लिया था। अब इसको हम मसाला बना के तैयार करेंगे, इससे बड़े में जो है वो क्रिस्प अच्छा जाता है। तो इसको हम भून लेंगे थोड़ा सा, हल्का सा ही, क्योंकि पहले हम इसको रोस्ट किया हुआ है तो ज़्यादा भूनने की हमें ज़रूरत नहीं है। थोड़ा हम इसको भून लेंगे, और क्योंकि हम ये फास्टिंग के लिए बना रहे हैं तो आप सेंधा नमक का ही यूज़ कीजिएगा, और हल्दी यहाँ पर मैं यूज़ नहीं करूँगी। तो यहाँ मैंने थोड़ा सा धनिया और जीरा पाउडर ऐड किया था, अगर आप इसको स्किप करना चाहते हैं आप कर सकते हैं बिल्कुल। मसाला यहाँ पे भून चुका है अच्छी तरह से, तो ये अब तैयार है। अब हम डो बनाएंगे बड़े के लिए। उसके लिए हमें साबूदाना भिगो कर रखा था मैंने 3 से 4 घंटे के लिए। तो ये अच्छा खिल के हो गया है और ये बहुत ही अच्छी तरह टूट भी रहा है। तो इसमें मैं अब बॉयल किया हुआ आलू डाल दूंगी और साथ में थोड़ी सी हरी मिर्च। और अब जो हमने मसाला बना के तैयार किया हुआ है वो हम ऐड कर देंगे। थोड़ा सा इसमें मैं नमक ऐड करूंगी, कटा हुआ हरा धनिया इसमें ऐड कर लेंगे हम, और इसे हम अच्छी तरह से मिला के अपना डो तैयार करेंगे। और यहाँ पे मैंने डो तैयार कर लिया था, तो अब हम इसके बॉल्स बनाएंगे छोटे छोटे। जितना साइज़ आप बड़े का रखना चाहते हैं उस हिसाब से मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ऑयल लगाया हुआ है हाथ में, ताकि ये चिपके ना, क्योंकि आलू इसमें गया तो वो थोड़ा हाथ में चिपकता है, इसलिए ऐसे हम अपने जो बॉल्स हैं वो बना के रख लेंगे इस तरह से। और ये ऑयल लगाने के बाद भी हाथ से चिपक रहा था, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा पानी यूज़ किया है यहाँ पे। हाथ पे थोड़ा सा पानी लगा के हम अपने बॉल्स रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने अपने सारे बॉल्स जो हैं वो बना के तैयार कर दिए गए थे। अब हम बड़ा बनाएंगे, तो उसके लिए यहाँ पे मैंने तेल को गरम कर लिया था। थोड़ा सा तेल हम यहाँ पे छन्नी से लगाएंगे ताकि हमारा जो बड़ा है वो इससे चिपके ना। ऐसे ही इन्हें हम पलटते हुए अच्छे से पका लेंगे और थोड़ी मीडियम आंच पे पकाएंगे
अगर हम ज़्यादा आंच पे पकाएंगे तो ये बाहर से पक जाएंगे और अंदर से ये कच्चे रह जाएंगे, इसलिए हमें थोड़ी स्लो आंच पे इनको पकाना है। तो यहाँ पे ये भी बन गए थे। इसी तरह से हम अपने बाकी के भी बड़े जो हैं वो बना के तैयार कर लेंगे। इनकी शेप मैंने पहले ही दे दी थी क्योंकि थोड़ा टाइम लग रहा था छन्नी से बनाने में इनको, तो इन्हें मैंने शेप पहले ही दे दी थी। इनको भी हम पलटते हुए अच्छे से पका लेंगे। और देखिए गर्मा गर्म साबूदाना बड़े बनके तैयार हैं। व्रत में नमकीन अगर कुछ खाने का मन हो तो ये बना के खा सकते हैं, ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो एंजॉय कीजिए इस रेसिपी को। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आप सभी को अ वेरी हैप्पी शिवरात्रि। जय महादेव। थैंक्स फॉर वॉचिंग।